हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सनाइशाज वर्ल्ड। सभी को मेरा राम राम। तो ये बस हम 26 को जयपुर रुके थे, रात में तो पहुंचे ही थे शाम को दोपहर में, और बस 27 का मॉर्निंग का है। हम यहाँ से निकल गए थे फार्म हाउस के लिए, तो हम फार्म हाउस चले गए थे। तो ये बस नानी है, मेरी मम्मी है, बाय कर रही है। ये रस्ते में हम गुलाब जी स्वीट्स पे रुके थे कुकस पे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि राजस्थान में सबको पता है कचौड़ी बहुत फेमस है, तो मुझे लगाया गरम गरम कचौड़ी खा लेते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो ये है प्याज की कचौड़ी, लेकिन नो डाउट यार ठंडी थी, मजे नहीं आए, पेट भी खराब करा, मजे भी नहीं आए। तो हम लोगों ने नाश्ते के लिए रास्ते में, सुबह का टाइम था 9:30 बजे, तो हमने नाश्ते में किया था जलेबी और कचौड़ी। नाइशा को जलेबी बहुत पसंद आई थी। और मैं बोलूंगी अब जब हम जयपुर गए थे, हेलो फ्रेंड्स, हमारी बल्ले बल्ले हो रही है। देखो ना इसे दिखाओ सबको, जरा ये देखो, अब ये कम पानी हो रहा है तो अभी ये ज्यादा पानी आ जाएगा तो हम मारेंगे, लेकिन वैसा इसका तो है थोड़ा, लेकिन मैं कम पानी में नहाती हूँ ज्यादा, मैं नहीं नहाती हूँ, अगर मैं डूब जाऊंगी तो आपको कैसे पता लगेगा, अगर मैं मर भी जाऊंगी तो। थोड़ी लाइट नहीं आ रही है तो पानी, अभी लाइट आएगी तब पानी फिल करेंगे, अभी कम पानी है, बट नाइशा एंजॉय कर सकती है तो मैं इसके साथ घुस गई हूँ पूल में। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए थे हमारे फार्म हाउस कम रिसोर्ट, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ऑलरेडी आपने देखा स्विमिंग पूल में, पर फिर हम नहाए नहीं ज़्यादा, पानी तो वैसे भी कम ही था भरवाते भैया से, बट एक्चुअली वेदर भी कोल्ड था ना, बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने अवॉइड ही करवाया, मैं कहा रहने दीजिए। और आप ये देख सकते हो सामने की तरफ बिल्डिंग है और इससे पूरा पेड़ ग्रीनरी है। और ये हम कर रहे थे लंच सिंपल सोबर ही हमने करा, डिनर भी मीन्स खाना सिंपल था लेकिन बहुत टेस्टी था। जो वहाँ भैया थे ना अटेंडेंट भैया, वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे, खाना बनाते थे क्या बनाते हैं, तो बहुत यम्मी सिंपल सब्जी रोटी हमने वहाँ खाई है, बट इट वॉज टू यम। तो ये थी हमारी लंच की थाली, कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी और रोटी। और उसके बाद मैं लग गई थी अपना केक बनाने, इस सबका केक बनाती हूँ तो अपना केक तो बनाना बनता है। एक्चुअली कई लोगों को होगा कि मैम बाहर से मंगा के बना लेते आज के दिन, बट यार नहीं, मेरे को है ना एक तो खुद को इंटरेस्ट है बनाने का, और सेकेंडली जब से मैं खुद बनाने लगी हूँ ना तो मुझे बाहर के केक अच्छे ही नहीं लगते। रात को भाई भाभी लोग लाए थे मेरे लिए केक, हमने काटा वो केक, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, बट है ना वो मज़े नहीं आते यार मुझे तो, अपना जब से अपना बनाने लगी हूँ। तो एक ही रैंडम सी डिज़ाइन मैंने बनाई थी तुरंत ही, सारा सामान मैं अपना ना बैग लेके चलती हूँ केक का कहीं जाती हूँ तो, अगर बनाना होता है वहाँ पे तो। तो बस ये मेरा केक मैं रेडी कर रही हूँ, और इसके बाद थोड़ा रेस्ट करके शाम को हम थोड़ा सा बाहर घूमने निकल गए थे, एंड द केक इज रेडी। कैसा है बताना जरूर, कैसा लगा। दो इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप लोगों ने कमेंट ऑलरेडी कर दिए हैं, थैंक यू एवरीवन। द बेस्ट पार्ट इज होम मेड, हवा बहुत अच्छा, वेदर है चेंज के लिए बहुत अच्छा, एक दिन के लिए फार्म हाउस। ये देखो ना इशू, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे मोटर स्पोर्ट्स होता है बहुत अच्छा इस साइड में ना। चलो अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, रेडी भी होना है। और मम्मी को बहुत डर लगता है मोटर स्पोर्ट में से, वो गाड़ी भी इतनी जोर की चलती होती है। देखो लेमन लगे हुए नींबू बड़े बड़े, ऐसा हो जाता है एकदम, किसी का खेत है बाग है पूरा नींबू का, नींबू और आमलो का। चलो आपको अब मैं सिले दिखाती हूं जाके। हाय फ्रेंड्स, तो अभी तो बस मैंने ऐसे ही सिंपल वो ड्रेस पहन लिया, फिर वापस हम चेंज करेंगे बर्थडे पे, तो बताना। अभी खैर मैं सीढ़ियां उतर रही हूँ तो कॉन्शियस होकर उतर रही हूँ, और आपको ड्रेस भी दिखाते हैं अभी। चलो उतरो फटाफट, क्यों आउच, कुछ नहीं होगा। ये देखो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ है बाहर के, हमें फार्म हाउस है, हम फार्म हाउस है
और ये इवनिंग में भैया ने कुछ स्टार्टर्स बना दिए थे, टिक्का पनीर टिक्का, तुरंत ही वो सिगड़ी होती है ना उसमें बना रहे थे गरम गरम वहीं बैठा बैठ के, और हमें दे रहे थे। सिंपल थे बट टेस्टी थे। तो बस ये करके वो अटेंडेंट भैया पीछे जो है, बस ये करके हम निकल गए थे बाहर पहाड़ों पे घूमने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए राजस्थान की जयपुर की हसीन वादियों में। और आपको पता है क्या कि जो यहाँ से क्या हुआ, राजस्थान रोड थी वो एकदम मिट्टी की, ये लोग मैंने देखा नहीं, साइड में थी सीढ़ियाँ, मैं पूरा तरह से चल के आया क्योंकि मैं उस तरफ से आता था, मेरे को गारंटी से पता था कि मैं गिरने वाला हूँ। मेरे को पूरा उधर से चल के घासों में से आना पड़े। तो ये पूरा मोटर स्पोर्ट्स एरिया है, यहाँ पे मोटर स्पोर्ट्स होती है, मैं पहले कर चुकी हूँ, भैया बहुत खतरनाक होती है इसलिए मैंने नहीं करा इस बार। तो ये देखो ये पूरा रोड जा रही है ना, इस पे पूरी वो फास्ट फुल फास्ट स्पीड में चलाते हैं पूरा। यहाँ से हम अपनी गाड़ी वहीं पे खड़ी करके आ गए, दिख रही है ना रेड कलर की, हम पैदल आए हैं बोली। तो ये पूरा पहाड़ के टीलों पे बना रखा है, मैं एक बार बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। ये देखो इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, ये पूरा देखो सिटिंग एरिया बना रखे है, वहाँ पे कैंपेन वो चढ़ने के लिए है, जैसे ना ऊपर चढ़ो करो कुछ। ये यहाँ से पूरा रास्ता नीचे ऐसे नीचे जाते हुए वहां जा रहा है, ये है। मैं बहुत फुल स्पीड में लोग यहाँ गाड़ी चलाते हैं, मैंने पहले लास्ट टाइम किया है तो मेरी हिम्मत नहीं है वापस करने की। खैर हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो आज हम बर्थडे इवनिंग इस तरीके से बना रहे हैं अपनी। केक कट नहीं करा है अभी, काटेंगे घर जाके। नहीं गिर मत जाना बेटा, की वादियाँ फीकी पड़ गई इन वादियों तो। राजस्थान की वादियाँ हरी हरी है उधर उधर। तो यहाँ पे देखो ट्रक के जैसे ना सिटिंग एरिया बना रखा है फोटो शूट के लिए, तो ये ऐसे ट्रक का आगे का पार्ट रखा है, स्कूटर और ये। बट अभी आई गेस लॉकडाउन में लोग कम आते हैं तो इतना ज्यादा हमें मेंटेन नहीं किया हुआ है। अदरवाइज यूजली यहाँ पे रात में ना बॉनफायर होती है, आप बैठो एंजॉय करो, पार्टीज यूजली सब कर रहे होते हैं, बॉयज गर्ल्स जो भी है फैमिलीज आ रही है। काफी अच्छा ये बनाया हुआ है पूरा ना, ग्राउंड पूरा सराउंडेड है बाय माउंटेन्स ग्रीनरी और बहुत अच्छा है। और मोटर स्पोर्ट्स जो लोग करना चाहते हैं ना डू विजिट, बहुत अच्छा है। मैं कर चुकी हूँ इस बार मोटर स्पोर्ट्स नहीं, इसमें हमने पूछा भी नहीं कि चालू है कि नहीं, हम तो ऐसे अपनी कार लेके यहाँ घूमने आ गए थे। बट ये बिल्कुल सुनसान था, ऑफकोर्स रिस्की है थोड़ा सा ना। और बस फिर हम चल दिए वापस रिसोर्ट में, चेंज वेंज करके हम केक कट करेंगे और डिनर करेंगे। तो सिंपल सा डे रहा लेकिन बहुत अच्छा चेंज हो गया नॉर्मल रूटीन से, काफ़ी अच्छा था। ऑफकोर्स अब तो मैं दिल्ली हूँ, कल दिल्ली आ गए थे रात तक लेकिन लेट हो गए इसीलिए ब्लॉग भी लेट हो गया क्योंकि नेटवर्क इश्यू बहुत ज़्यादा था। वही तो देखो बंद है, नेटवर्क इश्यू बहुत था वहाँ पे, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ वीडियो ब्लॉग्स को वहाँ पे। और फिर कल हम निकले सुबह जल्दी 11 बजे, लेकिन जो रोडों का हाल था ना आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग 9 बजे घर में घुसे हैं, यानी इतना लंबा टाइम कभी नहीं लगा 10 घंटे जयपुर से दिल्ली आने में। तो बस इसीलिए ब्लॉग आ जा रहा है, पर मैंने कोशिश की है जल्दी से जल्दी ब्लॉग डालने की। और ये है मेरा छोटा सा डेकोरेशन जो मैंने खुद ही किया था ऑफकोर्स अपने लिए रूम में, तो आप इंजॉय कीजिए छोटा सा सेलिब्रेशन। बस हस्बैंड मैं और बच्चे ही थे और कोई नहीं था, ये देखो मस्त बैठे हुए हैं वो लोग। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम काटेंगे केक और मैं बताती हूँ और हम अभी कहाँ ये बता चुके आप पहले, तो अभी केक काटेंगे हम। ये छोटा सा डेकोरेशन मैं आपको दिखा चुकी हूँ जो किया है, तो आप सब लोग भी एंजॉय कर सकते हैं केक को। देखिए सेल्फ मेड है ऑफ कोर्स, मैंने बनाया हुआ है, देख लो। तो आप सब भी केक एंजॉय कीजिए और हम भी बर्थडे एंजॉय करते हैं, बाय बाय। हम बस डिनर करेंगे और फिर आज पूरा मस्ती किया, चलिए बाय बाय।
केक काटेंगे। काटोगे आयुष? पापा को होने देते। ये केक है और मम्मी का बर्थडे। बैठ जाओ। और हम सामान उठाए हुए हैं। चलो हैप्पी बर्थडे बोलो सारे। आयुष आ जाओ लेके खाओ। हम जाओ नमस्ते मम्मी। आयुष क्या कर रहे हैं? आयुष क्या कर रहा है बेटा? तो मेरी मदर इन लॉ का कॉल आ गया था तो हमने पूरा उनको वीडियो एक्चुअली दिखाया। यूजली रहता मम्मी को कि वहाँ दिल्ली थे तो हमने लगा कि चलो केक कटिंग के टाइम पे मम्मी को साथ में रखते हैं। तो पूरा केक कटिंग और खिलाया विलाया तब तक मम्मी वीडियो पे ऑन थी, वीडियो कैमरा पे वीडियो कॉल चालू था। तो बस यही था हमारा छोटा सा मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन टू एवरीवन फॉर योर वार्म विशेस। तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। और बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और हम मिलेंगे नए ब्लॉग में। ऑफकोर्स जयपुर का एक दिन का और बच रहा है, पूरा रिजॉर्ट दिखाऊंगी, वो दिखाऊंगी कल आपको ब्लॉग में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आप एंजॉय कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, मैं म्यूजिक लगा दे रही हूँ, आप एंजॉय कर सकते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आप देख सकते हो कितना अच्छा टेक्सचर आया है। एक पीस मैंने अभी आपको खिलाया भी था, वापस खिला देते हैं। ये लीजिए, बीच में मम्मी का फोन आ गया था तो हम मम्मी से बातें कर रहे थे। ये देखो एंड केक, मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से कैसे कर सकते हैं। आयशा टेस्ट बताएगी कैसा है। कैसा तो ये देखिए, लव यू फ्रेंड्स। तो ये नायशा ने केक आपको टेस्ट करके बताया अच्छा है। तो मैं भी खा लेती हूँ वापस, और आप लोगों के लिए, सबके लिए, और आपकी तरफ से मैं खा लेती हूँ। क्योंकि स्टू हम चॉकलेट और कोकोनट मिक्स बनाया आज, काफी अच्छा है।